कुछ भी हमको कह दे, अगर जो कह रहा है कि उसको नहीं पहचानते हैं तो उसको तो ध्यान में रहना चाहिए ना कि उसके पति को हमारी भवे हराई हुई है सलमापुर पंचायत में, तो वो हमको क्यों नहीं फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज रहा है, तो इस पर आप क्या कहिएगा? नहीं जानता है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। हमारे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, हम एक बार फेसबुक पर लिखे भी थे कि हम पर केस हो रहा है कि हम उसको नहीं जानते हैं और रात को हम पर फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा है, अगर हम गलत है तो लोग हम पर मानहानि का केस करें, उसका हम प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, न्यूज़ फोर बिहार में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सलीमापुर के मुखिया मुन्ना ठाकुर जी हैं। सबसे पहले तो आपका सर हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपके क्षेत्र का कुछ ऐसा मुद्दा चल रहा है जिसमें कुछ आपके विरोधी हैं जो आपको लेकर के बहुत सारे टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहिएगा? उस पर हम यही कर रहे हैं कि पहले के ज़माने में लोग कहता था कि निंदक नियर राखिए कुटिल कुटी छवाए, तो जो जितना ही हमारा निंदा करेगा हम उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ये मतलब क्या मैटर था कि मतलब इतना तूल पकड़ लिया है, लोग इस पर तरह तरह के बयान दे रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही है, आखिर क्या मतलब इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अरे सच्चाई यही है कि लोग अपने बनने के लिए, अपना अथी टीआर बढ़ाने के लिए उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। सार्वजनिक मंच था, हमको बुलाया गया था तो उद्घाटन करने के लिए जिम का, हम गए, उसके बाद मंत्री जी भी पहुँचे, हमारे जाने के बाद बहुत लोग पहुँचा, आप चैनल पर देख भी सकते हैं, कुछ लोग हमारा नाम लिया कि हम उसको जान नहीं सकते हैं, वो हमारे बाद में आया, तब तो न्यूज़ में साफ दिख रहा है कि पहले कौन गया, किसके साथ बैठा था और को पीछे गया, तो बेतुका लोग बयान दे रहा है तो देता रहे। अच्छा, इस बयान को आप किस प्रकार से लेते हैं? हम इस बयान पर ध्यान नहीं देते हैं, हम सोचते हैं कि अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए, आगे अपना बढ़ते रहिए। कहता है कि लोग कि हम उसको नहीं पहचानते हैं, तो हम तो भाई उनको माननीय ही कहेंगे, वो भले कुछ भी हमको कह दे, अगर जो कह रहा है कि उसको नहीं पहचानते हैं तो उसको तो ध्यान में रहना चाहिए ना कि उसके पति को हमारी भवे हराई हुई है सलमापुर पंचायत में, तो वो हमको क्यों नहीं पहचानती हैं, जो माननीय है क्यों नहीं पहचानती हैं उसके पति को हमारी भवे यहाँ से हराई हुई है। और दूसरा बात कह रही थी कि सलमापुर में जाकर हम रावण दहन किए, तो रावण ब्राह्मण था, हम नहीं चाहते हैं कि ब्राह्मण का दहन करें। सलमापुर का बहुत लोग आकर बोला कि चलिए आप रावण का दहन कीजिए, हम रावण दहन नहीं किए। सलमापुर में तो रावण का दहन कर ली, लेकिन उससे पूछिए ना, हमारी गांव है, हमारी गांव में उनको अपना गांव में रावण का पुतला क्यों नहीं जलाई, कैसे कि हमारी गांव ही उनसे खिसक चुका है। तो मतलब आप ये जो बयान, तरह तरह के बयानबाजी चल रहा है आपके क्षेत्र में लोगों को, इससे मतलब आपके लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमारे लोग सब कोई खुश है, हमको सब कोई जाकर वहाँ देखा कि क्या सच्चाई है, हम स्टेज पर थे, हम पहले स्टेज पर थे, आपके वीडियो में भी आया है, हम थे, हमारे बाद माननीय मंत्री थे, डीएसपी साहब, एसडीओ साहब थे, और जो कह रही हैं माननीय जो कह रही हैं कि उसको मैं नहीं जानता हूँ, तो उनका तो स्टेज पर नाम भी नहीं लिया गया, उनको कोने में जाकर बैठाया गया है, अभी आप देख सकते हैं चैनल में, आपको हम दिखाए भी थे, जो अपडेट चल रहा है उनको कोना में बैठाया गया है, हमको सील भी दिया गया, साल भी दिया गया, उनको कहाँ कुछ दिया गया, उनको तो साफ सेंटिंग में बैठा दिया गया था। अच्छा, अपने लोगों को आप एक शब्द में क्या संदेश दीजिएगा, इस प्रकार के जो अफवाहें चल रही है इसको लेकर के अपने लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? हम अपने लोगों को यही संदेश देंगे कि अफवाह में मत जाएं, जो करता है सो करने दीजिए, बाकी तो सब लोग जनता देख ही रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हाँ हमको जो कह रहा है कि हम नहीं जान रहे हैं, बहुत लोग तो ऐसा है कि लोग कहता है कि नहीं जाने नहीं जान रहे हैं और रात को हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज रहा है, तो इस पर आप क्या कहिएगा? नहीं जानता है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। हमारे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, हम एक बार फेसबुक पर लिखे भी थे कि हम पर केस हो रहा है कि हम उसको नहीं जानते हैं और रात को हम पर फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा है, अगर हम गलत है तो लोग हम पर मानहानि का केस करें, उसका हम प्रूफ देने के लिए तैयार हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा है, एक ही आदमी का नहीं, घर से दो दो आदमी का आ रहा है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा है, कहिए स्क्रीनशॉट हमारे पास है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ हम आपसे कहेंगे, सामने दीपावली और छठ पूजा है, छठ पूजा और दीपावली के लेकर के अपने पंचायत वासियों में विशेष आप अपने पंचायत में क्या करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा आप सोचे हो या मतलब सबसे हट के? सबसे पहले तो दिवाली का और अच्छा छठ पूजा का अपने पूरे पंचायत वासियों के साथ ही पूरे मढ़ौरा विधानसभा के लोगों का भी हम बधाई देना चाहते हैं कि भाई खुशी 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 सब त्यौहार को मनाया जाए और अपना कुछ पंचायत के विकास में लगे हुए हैं, जिसमें पंचायत में अपना 11 नया रोड बनवा रहे हैं, अपने पंचायत में एक नया सामुदायिक भवन बनवा रहे हैं, 3 पुल का शिलान्यास छठ बाद होने जा रहा है, ये सब अपने पंचायत में विकास करने जा रहे हैं। इसुआपुर फीडर से हमारे पंचायत में लाइन आ रहा था, उसको कटवा कर अघारा फीडर से हम करवा दिए हैं, ये सब, और हर एक पंचायत में 5-7 राशन कार्ड बना,
अपने पंचायत में अभी तक 156 को हम राशन कार्ड बनवा चुके हैं, तो जनता के प्रति लगे हुए हैं कैसे हम नहीं थे, हमारे भाई नहीं थे, हमारे बाबूजी नहीं थे, जनता हम पर विश्वास किया, और विश्वास करते हुए हमारे छोटा भाई की पत्नी हमको, हम लोग यहाँ से मुखिया के चुनाव लड़ाए थे, नहीं रहने के बावजूद भी लोग जिता दिया, वो आदमी कह रहा है कि हम उसको नहीं पहचानते। अच्छा सर, चलिए उन सब मुद्दों को हम छोड़ते हैं, हम बात करेंगे कि अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं आपके, बहुत ही करीबी हैं, तो हम कहेंगे कि मतलब बिहार के लिए, अब बिहार नहीं मढ़ौरा और सारण जिला के लिए आप लोग उस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग बहुत कर रहे हैं, तरह तरह के जितना चारों तरफ पुल बन रहा है, रोड बन रहा है, जहाँ तक चीनी मिल का सवाल है तो चीनी मिल का तो ये मंत्री के हाथ में नहीं है, वो कपड़ा मंत्रालय के अंदर अंतर्गत आता है, तो इसका सेंट्रल का काम है। यहीं पर 14 में जो आए थे मोदी जी तो बोले थे कि जीतेंगे उसके बाद तुरंत हम फैक्ट्री शुरू करवा देंगे, कहाँ वो शुरू करवाए, जहाँ बिहार सरकार का है, बिहार सरकार सब जगह रोड बनवा रही है। मोदी जी की सर आप बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं, मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, मोदी जी 2014 के शायद हमको आपको भी पता होगा, याद होगा 2014 जब लोकसभा का चुनाव था उस समय मढ़ौरा आए हुए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो आप चीनी मिल देख रहे हैं इसका मिठास हम लौटाने का काम करेंगे अगर हमें जिताइएगा, तो इस चीनी मिल का चीनी जो निकलेगा इससे आप चाय पीजिएगा, तो क्या आप उस चीनी मिल के चीनी जो चीनी निकल उसे चाय पी रहे हैं? ना ना, ये तो मोदी जी का ख्याल झूठा है, केवल आज तक जितना ही देते हैं ना सब जगह वो फेल्यू है, GST में फेल कर गए, फेल कर गए, नोटबंदी में फेल कर गए, सब जगह तो फेल ही कर रहे हैं। अच्छा, आपके जो बहुत करीबी हैं मंत्री, कला संस्कृति मंत्री हैं, कला के क्षेत्र में आप लोग क्या कर रहे हैं कुछ अलग विशेष अपने जिला के लेकर? जिला के लिए हर एक अनुमंडल में खेल ग्राउंड बनाया जा रहा है, स्टेडियम बनाया जा रहा है उनके द्वारा, और जो जो अब नया आ रहा है कि जो खेल में आएगा डायरेक्ट उसको बहाली होगा, सर्टिफिकेट दिखाएगा उसको सरकारी गवर्नमेंट में उसको सर्विस दिया जाएगा, ये उनके द्वारा किया जा रहा है, और हर एक विधानसभा में एक एक, एक स्टेडियम बनाने का कार्य किया जा रहा है, जो अभी आपके ईसुआपुर में अथी हो गया है, टेंडर उसका हो चुका है, सब जगह हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा और सुना कि ये सलीमापुर के मुखिया मुन्ना ठाकुर थे, जो कि बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं और आज भी इन्होंने रखा, तो बहरहाल आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।